जज्बा ये है कि किस तरह की यू नो टाइटल भी बहुत अलग है, आई एम श्योर फिल्म भी अपने बहुत ही अलग ढंग से बनाई होगी, तो सर कुछ बताइए। एक्चुअली जब कहानी लिखी, कहानी बन गई, तो टाइटल्स की बात आई कि अब फिल्म का नाम क्या रखें, तो बहुत सारे नाम लिखने शुरू किए, कुछ 100-150 टाइटल्स हम लोगों ने लिखे कि ये रख सकते हैं, रख सकते हैं। पहले डिसाइड कर लिया कि फिल्म में दिल वर्ड नहीं होना चाहिए, सनम वर्ड नहीं होना चाहिए, मोहब्बत नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो सारे फिल्में आजकल यू कांट, समझ में नहीं आता कि ये फिल्म कौन सी है, ये फिल्म कौन सी है, तो हमने शुरू से सोच लिया कि हम फिल्म में ये शब्द कहीं इस्तेमाल नहीं करेंगे। बहुत सारे नाम रखे, फिर फिल्म में कैरेक्टर का नाम मुन्ना भाई है, जो एक भाई है, एक गुंडा है, और वो डॉक्टर बनना चाहता है, तो MBBS। फिर ये हमारे ऑफिस में एक लड़का है दिलीप देसाई, उसके मुंह से टाइटल निकला कि व्हाट इफ इट्स कॉल्ड मुन्ना भाई MBBS, और इंस्टेंटली सबको अच्छा लगा कि यूनिक टाइटल है, अटेंशन ड्रॉ करेगा। बस उस दिन से फिर इसका नाम मुन्ना भाई MBBS हो गया। यू नो पहली बार एक्चुअली सुनील दत्त और मिस्टर संजय दत्त वही रोल अदा कर रहे हैं जो एक्चुअल लाइफ में है, लाइक फादर एंड सन। हाउ इज द होल थिंग, हाउ डू यू लाइक गेट देम टुगेदर, किस तरह हुआ? सी, संजय की कास्टिंग तो पहले हो गई थी, संजय को स्क्रिप्ट सुनाया था, आई लाइक इट एंड आई एग्री टू डू इट। उनके फादर के रोल के लिए ऑब्वियसली हमने सुनील दत्त के बारे में सोचा ही नहीं था, क्योंकि वो फिल्म कर ही नहीं रहे थे, वो माइंड में आ ही नहीं रहा था। हमने बहुत सारे नाम कंसिडर किए, फिर एक दिन मैं और विनोद बैठ के बातचीत कर रहे थे, कुछ लिख रहे थे, तो कुछ डायलॉग्स पढ़ते पढ़ते अचानक विनोद के मुँह से निकला कि अगर सुनील दत्त एक्टिंग कर रहे हो तो ये रोल अगर वो करते तो बहुत अच्छा लगता, ऐसा दैट वुड बी द परफेक्ट कास्टिंग। वो हमने बोला और हम भूल गए, अपने काम में वापस लग गए। फिर अचानक मैंने विनोद से कहा कि यू नो व्हाई नॉट ट्राई, व्हाई नॉट गो टू हिम एंड स्पीक टू हिम। विनोद का ठीक है चलो, उन्होंने इंस्टेंटली फ़ोन घुमाया, एज विनोद डज थिंग्स वेरी फास्ट, वो फ़ोन घुमाया और हम शाम को उनके घर पहुंच गए, मिले उनसे, उनको कहानी सुनाई। ही टुक अ 2 मिनट पॉज, हर्ड द होल थिंग, देन सेड ठीक है आई विल डू इट, इट हैपेंड दैट फास्ट। एंड यू हैव टू वॉच द फिल्म एंड द केमिस्ट्री दे शेयर, द अमाउंट ऑफ bonding they share in the film, and it's something real, that whole emotion is something real, and now I can't think of anybody else who could have done that job well. Wo chemistry, and ye pehli baar hai jab dono Dutt sahab aur Sanjay Dutt ek saath camera face kar rahe hain, unhone kai filmein saath mein ki hain par wo kabhi bhi frame mein saath mein nahi rahe, so I think it's a blessing for the film. To is mein alag characters bhi hain, jaise ki Jimmy hai, Arshad crazy, you know, to inka kis tarah se अरशद वारसी संजय का एक दोस्त का रोल कर रहा है, जो कि उसका बहुत ही, वी कॉल हिम द वन मैन आर्मी, कि संजय ने कुछ बोल दिया, मुन्ना ने कुछ बोल दिया, तो ये सोचना नहीं पड़ेगा, वो काम कर देगा, एंड इज डन, यू हैव टू वॉच हिम, ही इज डन अ माइंड ब्लोइंग जॉब। बमन इज ग्रेसीज फादर इन द फिल्म, and he's played a very dignified doctor in the film, again you have to watch him in the film. Jimmy is comes in later half of the film, and he's playing a patient, he walks into the hospital, and how he bonds with Munna. Then there's Rohini ji, who's playing Sanjay's mother in the film. So these are the main people we have. You know, जिसका आपने कहा कि फिल्म में हमें दिल का शब्द नहीं यूज करना है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि ये फिल्म किस तरह की फिल्म है? You know, what would you like to tell people? आप सी, एज टाइटल सजेस्ट करता है कि थोड़ी कॉमिक फिल्म है, बहुत लाइट फिल्म है, बहुत आप आई होप सो दैट यू विल लाफ इन द फिल्म, यू विल ऑल्सो क्राई इन द फिल्म, बट अगर मैं दो शब्दों में कहना चाहूँ कि किस टाइप की फिल्म है, तो आई कॉल इट अ फील गुड फिल्म, कि इट्स अ वेरी फील गुड, यू वॉच इन यू लाइक इट। हमने बहुत सारे लोगों को फिल्म दिखाई है, वो निकलते हैं, ऑल ऑफ देम से वी वांट टू कम एंड वॉच इट अगेन, एंड इट लीव्स अ वेरी गुड फीलिंग व्हेन यू वॉक आउट ऑफ द फिल्म। इवन इफ यू क्राई, यू आर नॉट क्राइंग बिकॉज ऑफ सैडनेस, आप यू आर क्राइंग बिकॉज यू लाइक दैट इमोशन, यू आर हैप्पी फॉर दोज कैरेक्टर्स, दैट्स व्हाई यू आर क्राइंग। सो बड़ा खुश करके आप, बहुत हंसते खुशी से आप निकलेंगे। म्यूजिक अनु मलिक ने लिखा है, लिरिक्स राहत इंदौरी और अब्बास टायर वाला ने लिखे हैं, और 6 गाने हैं फिल्म में, 5 गाने हैं अलग अलग किस्म के गाने। एक गाना है जो संजय दत्त ने गाया है, पूरा गाना संजय दत्त ने, कहानी सुनाई है उसने, एक वार्ड में एक पेशेंट को, एक बच्चे को कहानी सुनाता है, द होल सॉन्ग हैज बीन, इट्स अ स्टोरी सॉन्ग, वेरी स्पोकन सॉन्ग काइंड ऑफ अ थिंग, दैट्स अ वेरी अनयूजुअल सॉन्ग।
there's a little cabaret number, there's a very romantic number, there's a typical jo hum tapori number bolte hain, us type ke gaane hain. Anyway, agle hafte music release ho jayega, to you can listen and judge for yourself. So, aap film kab release karne ki soch rahe hain? Film hum December mein release karenge. Wish you all the best. Thank you. Thank you very much.